softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy. Hello guys, assalamu alaikum. Main kon Shahzad and welcome back to my channel. Kaisi hai meri sari ki sari YouTube family? Hope so ki bilkul theek thaak honge jaise ki main alhamdulillah hu. So aaj ki video mein hum banane ja rahe hain apni tea party ke saath ek bahut hi special fruit cake. So aaj ki recipe jaati hai hamari tea party ko. और हम घर में जो है कितना ज़बरदस्त सा बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो हम बना सकते हैं फ्रूट केक. सो वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा ओपिनियन तो बंदू खान की तरफ ही जाता था. जब भी हम कोई भी केक बाय करते थे तो गोरमे केक्स एंड बेक्स, न्यू बेक्स एंड फजल सामे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में से सबसे अच्छा हम लोग तो जो था बंदू खान को ही प्रेफर करते थे. उनके केक्स काफ़ी अच्छे होते थे. आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरियाज में, आप जिन जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पर आपका फेवरेट जो है केक किस बेकरी का है, मुझे जरूर शेयर की. तो आज हम फ्रूट केक जो है वो नट्स के साथ बनाने जा रहे हैं. अगर आप चाहें तो आप उसको टूटी फ्रूटी में भी कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो मज़ा आपको नट्स के साथ आएगा, आपको बहुत ज़्यादा नट्स की ज़रूरत नहीं है. थोड़े से नट्स को भी क्रश करके डाल देंगे तो आपके होल केक को बहुत तेज़ी से जो है उसका टेस्ट चेंज कर देंगे और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल नज़र आएगा. बहुत ही ज़्यादा कमाल ना सिर्फ दिखेगा बल्कि लगेगा भी. तो मैं अब इसको सेकेंड टाइम ट्राई करने जा रही हूँ फ्रूट केक को, और आप यकीन करें इतना लजीज बना कि. तो इस केक को बनाने के लिए मैं जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थे उसमें अखरोट है, पिस्ता है और बादाम है. इसको मैंने पाउडर नहीं करना, इसको क्रश्ड करना है ताकि जब खाएँ तो एक एक चंक उसका फील हो एक्चुअली. तो मैं इसको मिनी ग्राइंडर के अंदर बस जा रही हूँ इसको क्रश करने के लिए. तो आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास 5 अंडे. अगर आप ये देखें तो मैंने अभी ये ट्रे निकाली है. अंडे हमेशा जब भी आप यूज़ करें केक के लिए तो ज़रूरी है कि आप इसको हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर रखकर यूज़ किया करें. अगर ये ठंडे होंगे तो चीनी अंदर सही से नहीं होगी ब्लेंड और वो दाना दाना रहेगी और केक भी नहीं फूलेगा. सो बटर और अंडे का रूम टेम्परेचर के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप दूध किसी रेसिपी में यूज़ करते हैं तो उसका भी रूम टेम्परेचर के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. ग्लेज होता है ऊपर केक का, वो अगर आपके पास ग्लेज नहीं है लाइक मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास ये मोरेंगो यानी स्ट्रॉबेरी का जाम है, तो मैं इसके ऊपर लाइट सा ग्लेज यूज़ करूँगी जिसकी वजह से वो जो हार्ड लेयर है वो ऊपर नहीं बनेगी. केक बहुत ज़्यादा ऊपर से भी मॉइस्ट रहेगा, वरना बाजू का इस तरह होता है कि अगर आप इसको खोल के रख देते हैं और ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ऊपर से वो बहुत क्रस्ट हार्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा. सो केक और कप केक्स दोनों का मिक्सचर एक जैसा ही होगा, लेकिन कप केक्स के अंदर दो चीज़ों का एडिशन होगा और वो है एक कोको पाउडर जो कि मैं यहाँ पर नेस्ले का यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा हमारे पास उसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी. सो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ. ब्लेंड करने के बाद दोबारा से इसमें मैं दो अंडे डालने जा रही हूँ. पर इसको ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा डालने जा रही हूँ वनीला एसेंस, राउंड अबाउट 1 टेबलस्पून, और अगेन से हम इसको एक दफा हल्का सा करेंगे. सो इसको वनीला एसेंस डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने अगेन किया है ब्लेंड फुल हाई स्पीड के ऊपर. अब उसके बाद अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो इस तरह का तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो जूसर है उसी में सब चीज़ें डाल के उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं. मैंने और मेरी कजिन्स ने काफ़ी दफ़ा उसमें भी केक बनाया, तो सेम चीज़ ही बनेगी, कोई खास डिफरेंस नहीं आता. तो अब इसके बाद अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं 1.5 कप के करीब यानी 200 ग्राम के करीब मैदा. अब इसमें जाएगा बिल्कुल 1 पिंच के
तकरीबन आपके पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने की अब रीज़न ये है क्योंकि आप बेकिंग सोडा डालने के बाद जितनी देर इसको ब्लेंड करते हैं इसके फूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बेकिंग सोडा डालने के बाद एक चीज़ आप याद रखें कि बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर घुमाना है, आप इसको एंटी क्लॉक वाइज और क्विक क्लॉक वाइज नहीं कर दीजिएगा वरना आपका केक नहीं फूलेगा। इसलिए बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने केक की या जो भी मिक्सचर है उसकी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको मैंने अगेन जो है वो ब्लेंड किया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसमें डालने के लिए हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे ड्राई नट्स, और अब इसको करेंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए लाइट लाइट सा मिक्स। अब आप देख रहे हैं मैंने अगर यहाँ पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन लिए तो मैं उसी डायरेक्शन में कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में करने की कोशिश की और यहाँ पर भी कर रही हूँ तो केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो इसलिए बेकिंग सोडा जब भी डालें तो आपने ये एहतियात बहुत रखनी है कि डायरेक्शन आपके पास सेम होनी चाहिए। और अब इसे करेंगे लाइट लाइट सा ऐसे टैप ताकि इसमें जितनी भी बबलिंग है वो सब निकल जाए। मिक्सचर को आपने कभी भी यहाँ तक फिल नहीं करना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बनाते रहते हैं तो आपको तो पता ही होगा ऐसे क्यों का, क्योंकि बेकिंग सोडा की वजह से जब ये केक फूलेगा तो ये सारा बाहर आ सकता है। तो आपने हमेशा इसको इसकी 75% इसको जो है फिक्स करना है, उतना फिल करना है। उसके अलावा जो 25% है वो आपने इसको स्पेस देनी है ताकि वो फूल कर जो है वो बड़ा हो सके। तो मैंने इसका 75% जो है इसको फिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको बेक करने जा रही हूँ। प्री हीट करने के लिए ओवन को मैंने रख दी 180 डिग्री पे, मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। जब तक हमारा ओवन हो रहा है प्री हीट तब तक मैं इसके ऊपर डाल दूं हल्के हल्के से ड्राई फ्रूट्स जो क्रश किए थे। जो हमारा थोड़ा सा मिक्सचर बचा जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने खुद थोड़ा ज़्यादा बनाया था कि मैं उसको कपकेक में यूज़ कर सकूं। आपके पास बचे तो आप इसमें एक छोटा वाला फ्रूट केक भी बना सकते हैं या इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं। मेन चीज़ आपके पास होता है कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आपने कितनी चीज़ें इसमें क्या डालनी है, वो सारा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आप किसी भी बर्तन में इसे बनाएं, किसी भी मोल्ड में, किसी भी शेप में बनाएं, आपको बस ये ख्याल रखना है कि आप उसे सिर्फ 75% फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग आप जितने ज़्यादा बनाना चाहें फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। सो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ अपने कपकेक्स को अलग सा फ्लेवर देने के लिए इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, इसको भी करेंगे ताकि जितने भी बबल्स हैं वो सब निकल जाए। ओके, आप जिन लोगों के पास ओवन नहीं है उन लोगों के पास मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप इसी मिक्सचर को, इसी रेसिपी को किसी छोटे अपने किसी भी सांचे में, कोई स्टील का बाउल हो सकता है या जिसमें छोटी पतीली हो सकती है या कोई और मोल्ड हो सकता है जो आपके पास हो। मेरे पास कोई छोटा मोल्ड नहीं था, यही स्टैंडर्ड साइज था, इस वजह से मैंने इसी को बेक किया। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इसी सेम प्रोसीजर को, यही सारा फॉर्मूला यूज करके आप विदाउट ओवन भी इसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने बड़ा सा पतीला लेना है, उसके अंदर कोई स्टैंड रखना है, स्टैंड ना हो तो कोई कॉली रख दें, और उसको आपने प्री हीट करने के लिए मैक्सिमम जो आपके पास हीट होगी चूल्हे को ऑन करके छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद बहुत एहतियात के साथ आपने अपने उसी केक वाले मोल्ड को पकड़ के उसके अंदर प्लेस करना है। 1 मिनट के लिए आपने उसको हीट पर रहने देना है फुल, और उसके बाद बिल्कुल टोटली उसको सील कर लेना, यानी कोने के साथ या टोटली उसका जो किनारे हैं वो अच्छे से बंद होने चाहिए, और उसके ऊपर कोई भारी चीज़ उसके ढक्कन के ऊपर रख दीजिएगा लास्टली, ताकि जो हीट का प्रेशर है वो अंदर मेंटेन रहे, ना इनवर्ट जाए ना आउटवर्ट आए। उसके अलावा आपने बिल्कुल उसको दम वाली आँच के ऊपर उसको बेक करना है, और आपने तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है अंदर टूथपिक या कुछ लगा के उसको देख लेना है कि क्या होगा। हाँ, एक चीज़ है जो ओवन और उसमें ओवन और स्टोव के ऊपर जो आप बेक करते हो दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ एक चीज़ का होता है, टेस्ट बिल्कुल वही ही रहेगा, फ्लफीनेस वही रहेगी, सॉफ्टनेस वही रहेगी, रिचनेस वही रहेगी, मॉइस्चर वही रहेगा। लेकिन जो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा वो सिर्फ फ़र्क होगा उनके कलर का। ओवन की वजह से क्योंकि हीट ऊपर से भी मिलती है तो कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है बिल्कुल बेकरी की तरह, लेकिन अगर आप चूल्हे के ऊपर करते हो तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा स्किन येलो रह जाता है, लेकिन अंदर से वो पक्का बिल्कुल होता है। तो आपने जो है इसी सेम फॉर्मूले को उस तरह भी कर सकते हैं, तो आपने बिल्कुल भी
परेशान नहीं होना कि हम लोगों के पास तो नहीं है ओवन, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ चूल्हों के नीचे भी ओवन होता है, तो आप उसको भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे पहले उन्हीं ओवन में करती थी जो चूल्हों के नीचे ओवन होता है, उसको जलाएं, उसको यूज़ करें, वो भी आपके लिए बिल्कुल ओवन की तरह ही काम करेगा। सो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी आप लोगों ने फीडबैक में बताना है कि आप लोगों को इसका टेस्ट किस तरह का लगा। मेरे लिए एक अच्छा केक और एक परफेक्ट केक बनाने किसी मोजे से कम नहीं है, और उसकी रीज़न यही है क्योंकि मैं एक होता है ना इंसान बहुत गिरता है और जब वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है फिर या तो वो हिम्मत छोड़ देता है या फिर ज़िद पकड़ लेता है। तो मैंने पकड़ी ज़िद, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसा होता था, यहाँ से केक बेक किया, किसी ने देखना भी नहीं है उससे पहले, ऐसे फॉल्ट किया बास्केट में ऑलमोस्ट इस तरह मैंने कोई अपनी पाकिस्तान में कोई आई थिंक अगर मैं याद करूँ तो तकरीबन 6 केक तो मैंने इसी तरह ज़ाया की है, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन क्या था, स्टेप बाय स्टेप करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा जब भी केक इतना परफेक्ट बेक होता है तो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशगवार लड़की मैं ही होंगी। तो इस रेसिपी को देखने के बाद अब तो बनता है ना यार, अब तो बनता है, मैं इतनी लड़की ने मेहनत की है, अब तो बनता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलिएगा। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी किस तरह लगी, और आप लोगों ने ट्राई की तो आप लोगों के लिए भी टर्न आउट अमेजिंग हुई या टर्न आउट इन टू द बास्केट हुई। और इसके अलावा अगर आप किसी और ख़ास चीज़ की रेसिपी चाहते हैं, चाइनीज़ कोजीन हो जाए या फिर आप लोगों के पास टर्किश हो जाए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जाए, तो आप मुझे उस डिश का नाम नीचे अपने कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस डिश को जितना सिंप्लीफाई होकर उसी टेस्ट के साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।